इस कहानी की शुरुआत कई सालों पहले से होती है, जब धरती के एक सुनसान जगह पर मीटियोराइड टकराया था। इस जगह का नाम वकांडा होता है, और जो मीटियोराइड वहां पर गिरा था उसके अंदर वाइब्रेनियम नाम की एक अनोखी धातु मौजूद होती है। इस धातु में अनलिमिटेड शक्तियां मौजूद थीं, जिसे कि वकांडा बस्ती वाले काफी अच्छे से यूज करने लग जाते हैं। उस जगह पर तो और भी सारे कबीले बन जाते हैं, और अब उसी वाइब्रेनियम धातु के बलबूते पर बस्ती वाले काफी आगे बढ़ गए थे। वकांडा के एक बहादुर रहीवासी को वहां की देवी ने काफी सारी शक्तियां दे दी थीं, जिससे कि सिर्फ एक जड़ी बूटी खाने पर उस आदमी को काफी सारे ह्यूमन स्टेमिना मिल जाता है, और अब वो आदमी बन चुका था सबसे पहला ब्लैक पैंथर। हालांकि वकांडा के कुछ कबीले वाले ब्लैक पैंथर को एक्सेप्ट ही नहीं करते, लेकिन अब ब्लैक पैंथर और वाइब्रेनियम धातु के मौजूद होने की वजह से वकांडा टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ जाता है। हालांकि वकांडा वासियों ने अपनी इस एडवांस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने नहीं लाया था, इसीलिए बाकी देश वकांडा को एक नॉर्मल सी जगह समझते थे जो कि अभी तक डेवलप ही नहीं हुई है। लेकिन यहाँ रियलिटी तो ये होती है कि वकांडा अर्थ पर मौजूद सभी देशों से काफी ज्यादा डेवलप थी। अब हमें टिचाका नाम के एक ब्लैक पैंथर को दिखाया जाता है। टिचाका चाहता था कि वकांडा की सारी टेक्नोलॉजी दुनिया से छुपे रहे, लेकिन जब टिचाका को ये पता चला कि उसका भाई वकांडा से वाइब्रेनियम चुरा कर उन्हें बाकी देशों को बेचने का काम कर रहा था, तब टिचाका इस बारे में और भी ज्यादा पता करने के लिए डायरेक्टली अपने भाई के पास पहुंच जाता है। हालांकि शुरुआत में टिचाका का भाई मना कर रहा था कि उसने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन यहाँ टिचाका ने बहुत पहले से ही अपने एक जासूस आदमी को अपने भाई के यहाँ पर काम करने के लिए लगा दिया था, जिससे कि अब टिचाका को पूरी बातें पता चल जाती हैं कि कैसे उसका भाई धोखा दे रहा है। और अब टिचाका ने तो ना चाहते हुए भी अपने भाई को जान से मार दिया। अब यहाँ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ अपनी आने वाली जनरेशन में पास ऑन होती जा रही थी। अब वकांडा का राजा टिचाला नाम का एक ब्लैक पैंथर था। टिचाला के तो ग्रैंडफादर और फादर भी ब्लैक पैंथर रह चुके थे, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में गवर्नमेंट सुकोविया स्क्वाड लागू करती है, जिसमें सारे एवेंजर्स को उनके अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। इन्हीं सारी चीजों के बारे में जब टिचाला के फादर स्पीच दे रहे होते हैं, तभी उस पूरी बिल्डिंग में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से टिचाला के फादर की जान चली जाती है। और अब अपने फादर के जाने के बाद टिचाला ने ब्लैक पैंथर की गद्दी संभाल ली थी। अब हमें कुछ ही दिनों बाद टिचाला की गर्लफ्रेंड नाकिया दिखाई जाती है, जिसे की कुछ आतंकवादियों ने अपने साथ पकड़ लिया था। लेकिन वहां पर टिचाला जो कि ब्लैक पैंथर था, वो नाकिया को बचाने के लिए आ जाता है। टिचाला ने तो देखते ही देखते सारे आतंकवादियों को मार गिराया था, क्योंकि टिचाला के पास ब्लैक पैंथर की पावर्स तो होती ही हैं, पर उसकी बहन ने उसके लिए वाइब्रेनियम से बना हुआ ब्लैक पैंथर का सूट बना दिया था, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। पर यहाँ हमें पता चलता है कि नाकिया भी एक एजेंट है, और उसने आतंकवादियों को पकड़ाने के लिए ये सारा प्लान किया था। अब अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद टिचाला नाकिया से अपने फादर की मृत्यु के बारे में बताता है, और तो और टिचाला ने नाकिया को ये भी कह दिया था कि कल मेरा राज्याभिषेक है और तुम वहां पर जरूर आना। अगले दिन सारे कबीलों के सामने वकांडा के नए ब्लैक पैंथर का राज्याभिषेक किया जा रहा था। दरअसल वकांडा वासियों के कुछ रीति रिवाज होते हैं, जिसमें कि ये टेस्ट किया जाता था कि ब्लैक पैंथर वकांडा के लायक है कि नहीं। यानी कि अब टिचाला जो कि करंट टाइम पर ब्लैक पैंथर था, उसे सारे कबीलों में से कुछ फाइटर्स से फाइट करना पड़ेगा, जो टिचाला से ब्लैक पैंथर की गद्दी लेने के लिए उसे चैलेंज करना चाहते थे। और अगर जो कोई भी इस फाइट को जीत गया तब वो नया ब्लैक पैंथर बन जाएगा। फाइट की शुरुआत में टिचाला की बॉडी में से ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियां निकाल ली गई थी, और अब टिचाला एक नॉर्मल इंसान था। हर एक कबीले में से अलग अलग फाइटर निकल कर आ रहे थे, जो लगातार टिचाला से फाइट करते ही जाते हैं। टिचाला तो बड़ी बहादुरी से अपने ब्लैक पैंथर की गद्दी को बचाने के लिए उन सारे कबीले वालों को हराता जा रहा था, और अब एंड में सभी को हराने के बाद टिचाला ही नया ब्लैक पैंथर बन जाता है। वकांडा की सारी राजगद्दी टिचाला को वापस दे दी गई थी। अब हमें शहर के एक म्यूजियम में वाइब्रेनियम से बना हुआ एक हथियार दिखाया जाता है, लेकिन उसी म्यूजियम में एरिक नाम का एक आदमी वाइब्रेनियम से बने हथियार को चुराने आ गया था। एरिक के साथ उसका एक दोस्त यूलेसिस होता है, जो एरिक के फादर के साथ काम किया करता था।
और अब उन दोनों तो म्यूजियम में से उस हथियार को चुराने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब ये सारी बातें टिचाला को पता चली, तब उसने हथियार चुराने वाले लोगों पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया था। और अब एक दिन टिचाला, जो कि ब्लैक पैंथर है, वो अपनी गर्लफ्रेंड नाकिया और बहन के साथ उस जगह पर आ जाता है जहां पर यूलेसिस हथियार को बेचना चाहता था। टिचाला और उसके लोगों ने तो यूलेसिस को रंगे हाथों पकड़ लिया होता है। और अब हथियार जब्त करने के बाद यूलेसिस को अंडर कस्टडी रखा जा रहा था। और अब वाइब्रेनियम से बना हुआ हथियार जब्त करने के बाद यूलेसिस के साथ लगातार पूछताछ की जा रही थी। पर अब उस जगह पर तो एरिक अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो हथियार के साथ साथ यूलेसिस को भी वहां से छुड़ाने आया था। टिचाला जल्द से जल्द अपने ब्लैक पैंथर के रूप में आकर एरिक को पकड़ने जाता है। एरिक ने तो अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा रखा था। लेकिन जब टिचाला एरिक के ऊपर हमला करने जाता है, तभी एरिक ने उसी एडवांस वेपन की मदद से टिचाला के ऊपर हमला कर दिया था। ये हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि टिचाला काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन यहाँ टिचाला ने एरिक के गले में एक अंगूठी देखी थी, जिसके बाद टिचाला काफी सोच में पड़ जाता है। टिचाला जब वकांडा वापस लौटा, तब वो अपने अंकल से अंगूठी के बारे में पूछता है, क्योंकि वैसी ही अंगूठी टिचाला को उसके ग्रैंडफादर ने दी होती है और एरिक के गले में भी वही अंगूठी थी। तब जाकर टिचाला के अंकल उसे सारी बातें बताते हैं। दरअसल जब टिचाला के ग्रैंडफादर को एक मिशन करने के लिए न्यूयॉर्क भेजा गया था, तब उन्हें वहां पर एक लेडी से प्यार हो गया था। उनका तो एक बच्चा भी हुआ, पर तुम्हारे ग्रैंडफादर अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़कर वापस वकांडा आ गए। रियलिटी तो ये थी कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि एरिक होता है, यानी कि एरिक भी टिचाला की तरह एक वकांडा वासी है। वहीं दूसरी तरफ एरिक यूलेसिस से कहता है कि उसे अब वकांडा जाना है। यूलेसिस तो शुरुआत में एरिक पर हंस रहा था, क्योंकि वकांडा के अंदर सिर्फ वकांडा वासी जा सकते हैं। तभी एरिक ने अपने मुंह के अंदर ब्लू लाइंस दिखाई, जो रियलिटी में वकांडा वासियों की निशानी होती है। यूलेसिस तो तुरंत ये देखने के बाद एरिक से दूर भागने लगा था। एरिक यूलेसिस को गोली मारकर उसे जान से खत्म कर देता है। दरअसल एरिक यूलेसिस को जान से मारकर उसका यूज करना चाहता था, ताकि वो वकांडा की तरफ अपनी वफादारी दिखा सके और वकांडा के अंदर घुस सके। एरिक तो अपने इस प्लान में कामयाब भी हो जाता है। और अब एरिक को किंग टिचाला के सामने पेश किया गया था। टिचाला एरिक को देखते ही समझ जाता है कि ये उसके ग्रैंडफादर का नाजायज बेटा है। एरिक टिचाला से कह रहा था कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, और तो और तुमसे पहले इस राजगद्दी का असली वारिस मैं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज करता हूँ। और अब रीति रिवाजों के अनुसार ब्लैक पैंथर को जो भी चैलेंज करता है, उन्हें चैलेंजर के साथ फाइट करनी ही होगी, और अगर दोनों में से जो भी जीता वो नया ब्लैक पैंथर बन जाएगा। टिचाला और एरिक के बीच फाइट की शुरुआत की जा रही थी। सबसे पहले टिचाला के बॉडी में से उसकी ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियां निकाल ली जाती हैं। और अब तो अगले ही मोमेंट में दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो गई थी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि एरिक टिचाला पर भारी पड़ रहा था, और अब बहुत ज्यादा मार खाने के बाद टिचाला काफी कमजोर पड़ जाता है। एरिक ने तो टिचाला को फाइट में हरा कर उसे वहां के सबसे बड़ी झरने से नीचे फेंक दिया था। टिचाला के सारे फैमिली मेंबर्स इस बात से काफी दुखी हो जाते हैं, यानी कि रूल के मुताबिक एरिक नया ब्लैक पैंथर बन जाएगा। एरिक को तो ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियां दे दी जाती हैं, लेकिन अब जाकर एरिक का असली चेहरा सामने आ रहा था। एरिक ने तो ब्लैक पैंथर की शक्तियां गेन करने के लिए बनाई जाने वाली सारी जड़ी बूटी को आग लगा दी थी, जिससे कि आगे चलकर ब्लैक पैंथर कोई भी न बन पाए। लेकिन यहाँ टिचाला की गर्लफ्रेंड नाकिया ने चुपके से एक जड़ी बूटी चुरा ली होती है। लेकिन यहाँ एरिक वकांडा के अंदर अपनी पूरी आतंक फैलाने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो वकांडा की टेक्नोलॉजी सभी दुनिया के सामने लाएगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। यहाँ टिचाला को ढूंढने के लिए उसके कुछ फैमिली मेंबर्स निकल पड़े थे। वो तो सीधे चले जाते हैं एक कबीले वालों के पास, जो हमेशा ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला के अगेंस्ट खड़े रहते थे। लेकिन उस कबीले का सरदार टिचाला के फैमिली वालों को एक अनोखी चीज दिखाता है। दरअसल सरदार के लोगों को टिचाला की बॉडी पानी के अंदर मिली थी, इसीलिए वो सब टिचाला को ठीक करने के लिए यहाँ पर लेकर आ गए। दुख की बात ये थी कि टिचाला अभी कोमा में था, लेकिन नाकिया के पास अभी भी एक जड़ी बूटी होती है, जिससे कि टिचाला को उसकी ब्लैक पैंथर की पावर्स वापस मिल सके।
नाकिया की मदर ने जैसे ही जड़ी बूटी बनाकर टिचाला के मुंह के अंदर डाल दिया था, तभी टिचाला एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां अब तक के सारे फैमिली मेंबर्स जो कि ब्लैक पैंथर रह चुके थे वो टिचाला के सामने आ जाते हैं, जो उसे मोटिवेट कर रहे थे कि तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा। और अब अगले ही मोमेंट में एक चमत्कार की तरह टिचाला की जान वापस आ जाती है। अब टिचाला के पास ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियां मौजूद थी। थोड़ा और ठीक हो जाने के बाद टिचाला डायरेक्टली सभी से कहता है कि उन्हें वकांडा को अपने हाथ में वापस लेना पड़ेगा। इसीलिए टिचाला सारे कबीले वालों के साथ मिलकर अगले ही दिन एरिक और उसकी सेना पर हमला कर देता है। चारों तरफ एक घमासान जंग चल रही थी। वो सारे कबीले जो कभी टिचाला से नफरत करते थे वो उसी के साथ खड़े होकर उसके लिए लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टिचाला और एरिक की एक अलग ही फाइट चालू थी। दोनों के पास ब्लैक पैंथर की पावर्स मौजूद होती हैं और अब दोनों ही एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे। देखने में एरिक और टिचाला की पावर्स तो सेम टू सेम लग रही थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि टिचाला अच्छाई के लिए काम करता था और अब काफी चालाकी से टिचाला ने वाइब्रेनियम से बने एक हथियार की मदद से एरिक के सीने में वार कर दिया था, जिससे कि एरिक एकदम से घायल हो जाता है और अब तो वो मरने वाला था। टिचाला एरिक को उसी जगह पर लेकर आ जाता है जहां पर कुछ टाइम पहले एरिक ने टिचाला को नीचे फेंक दिया था। टिचाला एरिक से कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बचा सकते हैं, लेकिन एरिक जानता था कि उसके ठीक होने के बाद वकांडा वाले उसे हमेशा के लिए जेल में कैद कर देंगे। इसीलिए एरिक वहीं पर अपना दम तोड़ने का डिसाइड करता है। एरिक के मरने के बाद अब वकांडा का नया राजा टिचाला ही बन गया था, जिसके राज में वकांडा की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे बढ़ने लगी। और अब टिचाला दुनिया के सामने आकर ये ऐलान करता है कि वकांडा की एडवांस टेक्नोलॉजी को अब और ज्यादा नहीं छुपाया जाएगा, बल्कि अब वकांडा अपनी टेक्नोलॉजी बाकी सभी के साथ शेयर करने के लिए रेडी हो चुकी है। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।